हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल जीके के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से हैं, और कोशिश की गई है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो टफ रखा जाए। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया गया है जो बहुत कम चांसेस है कि बहुत कम लोगों को पता होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को पता नहीं होंगे, जो पढ़ता है उसको हो सकता है कि सारे ही क्वेश्चन आते हों, बट जिनको नहीं आते हैं, जो अभी जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो उनके लिए ये टफ ही होंगे जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है। तो 10 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन की आपको डिटेल की जरूरत होगी उसकी डिटेल दी जाएगी, और साथ साथ आपको कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपका जो है वो स्कोर कितना रहा है, ठीक है। आपके चाहे 1 बनता है, चाहे 2 बनता है, चाहे आपके 9 बनते हैं, चाहे आपके 10 बनते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ मेरे 10 में से इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप थोड़ी सी देर में ही जो है वो 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लें, ठीक है। उससे पहले ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं वो एचपी जीके और करंट अफेयर के जो मॉक टेस्ट है वहां से पिकअप किए हैं, ठीक है। जो भी आपके लिए एचपी जीके का और करंट अफेयर का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किए हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन जो है वहां पर ऐड किए जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर जो है आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टेस्ट को सिलेक्ट करके आपको एचपी जीके और करंट अफेयर को सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको जब आप परचेज करोगे तो यूज कोड करना है GKStudy40, वहां पर आपको 40% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा, और आप मॉक टेस्ट 168 में आपको जो है वो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जिसमें से आपको एचपी जीके और करंट अफेयर दोनों के मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आज की वीडियो में मैंने ऐड नहीं किए हैं, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर भी ऐड करेंगे, ठीक है। बट मॉक टेस्ट में आपको करंट अफेयर मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट से ही जो है वो लिए गए हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव एनालिसिस आपको मिलेगी, आप खुद को सभी बच्चों में कंपेयर कर सकते हैं कि आपका रैंक क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये जो है आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुनिहार नामक स्थान पर किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपके आंदोलन वगैरह होते हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, और 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1920, कुनिहार नामक स्थान पर जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था। अगर बात करें इसकी थोड़ी डिटेल की, तो 1920 में कुनिहार के लोगों ने राणा, वहां का जो राणा था, उसके अत्याचारों के विरुद्ध, जैसे भूमि कर बढ़ा देना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें भूमि को लेकर, लगान को लेकर, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। बट कुछ समय बाद क्या हुआ कि राणा ने अंग्रेजों की सहायता से इस आंदोलन को दबा दिया था, ठीक है। ये जो कुनिहार में आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू हुआ था, और बहुत जल्दी इसको अंग्रेजों की सहायता से दबा दिया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी रियासतों में मैक्सिमम आंदोलन जितने भी होते थे उनको अंग्रेजों की सहायता से जो है राजा दबा देते थे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर एडिशनल ऐड की गई है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि 1921 में कुनिहार के बाबू कांशीराम और सत्यानंद स्टॉक्स ने, ठीक है, पहाड़ी रियासतों में बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस ने जो है वो आवाज उठाई थी, तो बाबू कांशीराम और सत्यानंद स्टॉक्स ने आवाज उठाई थी, कब, 1921 में, जो पहाड़ी रियासतों में बेगार प्रथा चलती थी, ठीक है, यानी कि काम करवाना पर उसके बदले में कोई भी जो है वो पैसे नहीं देना, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नालागढ़ के किस राजा ने अंग्रेज सरकार से अनुमति लेकर पटियाला रियासत के साथ एक संधि की थी। कौन सा ऐसा राजा था नालागढ़ का, किंग था, जिसने जो है वो पहले अंग्रेज सरकार से अनुमति ली, उसके बाद जो है वो पटियाला रियासत के साथ संधि करी थी और उनके साथ मिलकर जो है वो शासन को चलाया था। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको देने हैं, ठीक है, और आपको बताना भी है कि 10 में से आपके क्वेश्चन कितने सही होंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी उसी अकॉर्डिंग ऐड किया जाए, ठीक है। तो उनका नाम था आपका सुरेंद्र सिंह, तो ये था नालागढ़ का राजा जिसने पटियाला के साथ एक संधि की थी, और इसी टाइप की कंपटीशन आजकल बहुत हाई हो रहा है तो क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऊना जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, बट क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तो आप ये क्षेत्रफल वगैरह जो है वो छोड़ देते हो, या तो ये जो क्वेश्चन होता है कि क्षेत्रफल से रिलेटेड, ये 2 तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको डायरेक्टली ऐसा आएगा कि उन्हें जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है, या फिर ऐसा आता है कि आपको 4 क्षेत्रफल दे दिए, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इनमें से अरेंज करो कि सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। 12 जिलों में नहीं, जो आपके 4 जिले दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और इसलिए आपको सभी जिले के क्षेत्रफल पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है ऊना जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ऊना जिले का क्षेत्रफल है 1540 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस हिमाचली को हिमाचल प्रदेश का प्रथम देशभक्त कहा जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी है वो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से मैंने लिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खुद से बनाया है। अगर आपने डिटेल में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा हिमाचली है जिसको हिमाचल प्रदेश का प्रथम देशभक्त कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका बाबा लक्ष्मण दास को। ठीक है, अब बात करें बाबा लक्ष्मण दास की, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन है। ठीक है, और एक दूसरा आ सकता है कि उनका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो उनका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से। तो दो क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्वराज्य सभा शिमला का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, जो स्वराज्य सभा थी शिमला वो कौन से ईयर में जो है वो फॉर्म की गई थी, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1931। इसके पीछे रीजन क्या था उसको भी एक बार सुन लीजिए। 1931 में आपको पता है महात्मा गांधी जी दूसरी बार शिमला आए थे। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दूसरी बार शिमला कब आए थे। पहली बार तो सभी को पता है 1921 में, आपको पता ही होगा। तो 1931 में जो है वो महात्मा गांधी जी दूसरी बार शिमला आए, और इनके साथ और भी जो है नेता आए थे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय जो इरविन थे उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसके फलस्वरूप शिमला में जेलों से रिहा किए जाने वाले सत्याग्रहियों के स्वागतों के लिए जो है स्वराज्य सभा शिमला का गठन किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वराज्य सभा जो शिमला थी उसका गठन क्यों किया गया था, तो वो किया गया था शिमला में जो जेलों में सत्याग्रही थे कैद, उनको रिहा किया गया तो उनके स्वागत के लिए जो है ये स्वराज्य सभा बनाई गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी कब शिमला आए थे, तो महात्मा गांधी दूसरी बार जब शिमला आए थे तो 1931 में आए थे। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन जब दिया जाता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके तहत भी जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शिवदाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा कि शिवदाला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, तो वो करता है आपका मंडी में। ठीक है क्या शिवदाला, शिवदाला एक गांव का नाम है जो मंडी जिले में पड़ता है। यह मंडी जिले के अंतर्गत सरका घाट मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है। कई बार क्या आ जाता है कि शिवदाला किसके नजदीक है, तो सरका घाट के नजदीक है। ठीक है, इसके साथ ही एक धार्मिक प्रसिद्ध जो है वो शिव मंदिर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये शिवदाला जो है वो एक गाँव है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुलिंदों के सिक्कों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कुलिंद के बारे में अगर आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हो तो उनके जो सिक्के होते थे, ठीक है, उनकी जो मुद्राएं होती थी उन पर किस चीज की आकृति हुआ करती थी। ठीक है, मान लीजिए ये सिक्का है, उन पर किस चीज की फोटो समझ लीजिए किस चीज की होती थी इनमें से, तो वो होती थी मृग की, यानी कि हिरण की। ठीक है, और कुलिंदों ने जो थे जनरली दो प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, इनमें इन्हें दो अधिकारियों अलग अलग मतलब टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने चलाया था। तो जो पहली मुद्रा थी उसमें मृग की आकृति होती थी, यानी कि जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हिरण की फोटो होती थी और साथ ही अमोघ भूति का नाम लिखा होता था। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि एक तो है क्या बोलते हैं आपके, एक जगह पर होती थी मृग यानी कि हिरण की तस्वीर और अमोघ भूति जो है उस पर लिखा होता था। और इन्होंने जनरली जो है वो चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, सोने से इनका कोई लेना देना नहीं था, तो मुद्राएं भी याद रखिएगा चांदी और तांबे की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काजी अमर सिंह थापा ने भारी सेना लेकर बुशहर की राजधानी रामपुर पर किस वर्ष अधिकार किया था। ठीक है, तो ये आपको सभी रियासतों के पता होने चाहिए कि उसने सिरमौर पर कब किया था, उसने बाकी रियासतों पर कब कब्जा किया था जो अमर सिंह थापा था। तो उसने आपका जो रामपुर पर अधिकार किया था वो 1811 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, जांजनी निम्नलिखित में से किस चीज का एक प्रकार है। जांजनी आपको बताना है इनमें से क्या चीज जो है वो जांजनी नाम से जानी जाती है, तो वो है आपका आभूषण। ठीक है, कौन से आभूषण, किस टाइप के आभूषण। जांजनी जो है वो नृत्य के आभूषण होते हैं, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य है, ठीक है, उनमें जो आभूषण यूज किए जाते हैं वो जांजनी कहलाते हैं। और डागरा जो होते हैं वो नृत्य की कुल्हाड़ियां होती है, ऐसे नृत्य जिनमें कुल्हाड़ियों का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है डागरा, और जाजनी होता है आपका जो आपके नृत्य के आभूषण होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य कब शुरू किया गया था। और ये आई थिंक सभी को पता होगा कि जो कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण शुरू किया गया था वो 1850 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके मॉक टेस्ट से ही उठाए गए हैं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है, और इससे जितना टफ हो सके आपके लिए जो है क्वेश्चन उसमें ऐड किए जाते हैं। ऐसे नहीं होते कि सारे ही टफ होते हैं, ठीक है, जितना आपको थोड़ा यूनिक से क्वेश्चन उसमें मिलते हैं और साथ साथ आपको करंट अफेयर डेली के उसमें मिले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।